हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है अफान। तो आज बहुत कमाल का टॉपिक होने लगे, आज बहुत कमाल की वीडियो होने लगी है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ट्रैक्टर्स जो खेती बाड़ी में काम आते हैं यार, बहुत जो है ना ये किसान वगैरह यूज़ करते हैं। तो बिना किसी डरे के काउंट डाउन करते हैं, देखते हैं किसका ज़्यादा मजबूत है, किसकी ज़्यादा प्राइस है, क्या करते हैं। तो बिना किसी डरे के काउंट डाउन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। इंडियन ट्रैक्टर्स वर्सेस पाकिस्तानी ट्रैक्टर्स। दोनों ही देशों में खेती की जाती है बड़े ही जोरों शोरों से, तो ट्रैक्टर्स हो जाते हैं ज़रूरी। बिल्कुल, 74 सालों में दोनों ही देशों में कई बदलाव आए, फिर चाहे वो अर्थव्यवस्था में हो या फिर कृषि में। बिल्कुल। तो मॉडिफाइड थॉट्स की आज की वीडियो में हम करेंगे भारतीय और पाकिस्तानी ट्रैक्टर्स की तुलना और जानेंगे दोनों ही देशों के ट्रैक्टर टेक्नोलॉजी, ट्रैक्टर ब्रांड्स, ट्रैक्टर प्राइस और अंत में बात करेंगे किसने जीता ये ट्रैक्टर का महामुकाबला। तो करेंगे वीडियो की शुरुआत, लेकिन उससे पहले दबा दे सब्सक्राइब बटन ट्रैक्टर वीडियोस देखने के लिए। किसान भाइयों, आपको बता दें कि भारत में पाकिस्तान की तुलना में 7 गुना ज्यादा खेती लायक जमीन है, तो इसका सीधा प्रभाव पड़ता है दोनों ही देशों की ट्रैक्टर बिक्री पर। भारत में बिके हैं 8,02,670 ट्रैक्टर्स साल 2020 में बावजूद कोरोना के, तो पाकिस्तान में बिके हैं 39,272 ट्रैक्टर्स मात्र। बहुत कम। जैसे भारतीय ट्रैक्टर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बिकता है महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वैसे ही पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बिक्री होती है मिला ट्रैक्टर्स की। भारतीय किसानों के पास ट्रैक्टर में कई सारे ऑप्शंस उपलब्ध है, क्योंकि भारत में लगभग 25 से ज्यादा ट्रैक्टर ब्रांड्स आज के समय में मौजूद है, जिसमें आपको 15 हॉर्स पावर से लेकर 120 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर्स आराम से मिल जाते हैं फोर व्हील ड्राइव तकनीक के साथ। लेकिन पाकिस्तानी किसान भाइयों के पास 5 ही ट्रैक्टर ब्रांड्स का ऑप्शन है, जिनमें आपको 50 हॉर्स पावर के ऊपर के ट्रैक्टर्स मिलते हैं। उसमें भी आपको फोर व्हील ड्राइव ऑप्शन मिलेगा सिर्फ 75 और 85 हॉर्स पावर की श्रेणी में। तो दोस्तों, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि भारतीय ट्रैक्टर इंडस्ट्री और पाकिस्तानी ट्रैक्टर इंडस्ट्री में जमीन आसमान का फर्क है। यही फर्क आपको देखने मिलेगा दोनों ही देशों के ऑटोमोटिव सेक्टर में, जिसका वीडियो आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन में। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या पाकिस्तान में मिनी ट्रैक्टर्स नहीं है? जी नहीं, पाकिस्तान में मिनी ट्रैक्टर्स नहीं मिलते। खैर, इतने दूर गए हैं तो आइए नजर डालते हैं पाकिस्तानी ट्रैक्टर कंपनियों पर। यूरो फोर्ड ट्रैक्टर्स। पुराने फोर्ड ट्रैक्टर्स आपको याद ही होंगे, वैसा ही ये कुछ यूरो फोर्ड ट्रैक्टर्स। यूरो फोर्ड ट्रैक्टर ब्रांड पाकिस्तान में 2006 से कार्यरत है, जिसकी पैरेंट कंपनी है ITL यानी इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड। ये ब्रांड आपको 50 हॉर्स पावर से लेकर 80 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर ऑफर करता है, जिनमें से कोई भी फोर व्हील ड्राइव वेरियंट नहीं है। बेलारूस ट्रैक्टर। ये ट्रैक्टर्स जल्दी दिखेंगे भारतीय खेतों में भी। तो भारतीय बेलारूस ट्रैक्टर का रिव्यू जल्द आएगा मॉडिफाइड थॉट्स पर, तो सब्सक्राइब तो बनता ही है। मिनस्क ट्रैक्टर वर्क, जो 1946 से काम कर रहा है पाकिस्तान में, उन्होंने बेलारूस ट्रैक्टर के साथ मिलकर ट्रैक्टर बना रहे हैं। बेलारूस ट्रैक्टर्स की कीमतें पाकिस्तान के बाकी ट्रैक्टर्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इनका इंजन काफ़ी तगड़ा है, काफ़ी अच्छी ताकत ये देते हैं। इसी की वजह से ये उनके हिली एरियाज और हॉलेज के कामों में ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। IMT ने अपना हाल ही में नाम चेंज कर बुल पावर रखा हुआ है। 2013 से ये ट्रैक्टर बनाते आ रहे हैं कराची में। पार्ट्स इंपोर्ट किए जाते हैं जो असेंबल होते हैं कराची पाकिस्तान में। मार्केट शेयर के हिसाब से ये तीसरे पोजिशन पर है। 50 से 60 ट्रैक्टर्स हर महीना ये कंपनी बेच देती है पाकिस्तान में। इनके सारे मॉडल्स है टू व्हील ड्राइव। अलगाजी ट्रैक्टर्स। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर्स तो आपको पता ही होंगे, बस यही है अलग नाम से।
1984 से ये ट्रैक्टर बना रहे हैं पाकिस्तान में। पहले इनका नाम फिएट ट्रैक्टर्स हुआ करता था, बाद में न्यू हॉलैंड हुआ जैसे हम सब जानते हैं। ट्रैक्टर्स के साथ ये काफी इम्प्लीमेंट्स भी बनाते हैं। 55 से लेकर 98 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर्स ये पाकिस्तानी किसान भाइयों के लिए ऑफर करते हैं। मिलेट ट्रैक्टर्स, मैसिव फर्ग्यूसन ट्रैक्टर्स तो पता ही होंगे, बस उनकी कार्बन कॉपी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, क्योंकि मिलेट ट्रैक्टर्स काम करते हैं मैसिव फर्ग्यूसन यूके के साथ। मिलेट ट्रैक्टर्स का सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है पाकिस्तानी ट्रैक्टर इंडस्ट्री में लगभग 60% का, और ये वही कंपनी है जिनके पास आपको मिल जाएगा फोर व्हील ड्राइव वेरिएंट। हो जाइए तैयार, क्योंकि अब टोचन होगा पाकिस्तानी सांट हॉर्स पावर के ट्रैक्टर और भारतीय सांट हॉर्स पावर के ट्रैक्टर के बीच। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि दोनों ही ट्रैक्टर से मैसिव फर्ग्यूसन कंपनी के, और दोनों ही ट्रैक्टर से उनके पिछले मॉडल का अपग्रेडेड वर्जन। मैसिव फर्ग्यूसन 200 सांट पाकिस्तान में काफी अच्छा बिकता है, जिसका अपग्रेडेड वर्जन है मैसिव फर्ग्यूसन 360। जैसा कि हम जानते हैं, भारत में आपको मैसिव फर्ग्यूसन 9500 स्मार्ट मिल जाएगा सांट हॉर्स पावर की श्रेणी में। चलिए बात करते हैं दोनों ही ट्रैक्टर्स के इंजन की। मैसिव फर्ग्यूसन 360 में आपको मिलता है सांट हॉर्स पावर का 3 सिलेंडर इंजन, जो काम करता है 2200 रेटेड आरपीएम पर टर्बो चार्जर के साथ, 2500 क्यूबिक कैपेसिटी, 212 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो वही मैसिव फर्ग्यूसन 9500 स्मार्ट जो इंडिया में बिकता है, उसमें आपको मिल जाएगा 58 हॉर्स पावर का 3 सिलेंडर इंजन, जो काम करता है 2200 रेटेड आरपीएम पर, 2700 क्यूबिक कैपेसिटी और देता है 230 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इनमें सबसे बड़ा फर्क है इंजन का। दोनों ही ट्रैक्टर्स में काफी अलग इंजन मौजूद है। पीटीओ एचपी की बात करें तो 360 में आपको मिल जाएगा 48 हॉर्स पावर का पीटीओ, तो वहीं मैसिव फर्ग्यूसन 9500 स्मार्ट में आपको मिल जाएगा 53 हॉर्स पावर का पीटीओ। पाकिस्तानी ट्रैक्टर में आपको मिलता है स्लाइडिंग मेश गियरबॉक्स, तो वहीं 9500 स्मार्ट में आपको मिलेगा कॉन्फी मेश गियरबॉक्स। हालांकि दोनों ही गियरबॉक्स इतने अपग्रेडेड नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी ट्रैक्टर की तुलना में 9500 स्मार्ट एक कदम आगे ही है, क्योंकि इसमें आपको आंट फॉरवर्ड और आंट रिवर्स गियर का ऑप्शन भी उपलब्ध है। ऐसी कोई चीज आपको पाकिस्तानी ट्रैक्टर्स में नहीं मिलेगी। और सबसे जरूरी बात, MF 360 में आपको मिलता है 13/6/28 या फिर 14/9/28 का टायर, इसके बावजूद कि वो 16 हॉर्स पावर का है। 9500 स्मार्ट में आपको कंपनी फिटेड 16/9/28 के टायर्स मिलते हैं। इसी के साथ आप उन्हें बदल कर 16/9/30 के भी लगवा सकते हो, क्योंकि इतने बड़े ट्रैक्टर के साथ इतने छोटे टायर्स का क्या काम। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। यही बात आप सारे ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स के साथ देखोगे पाकिस्तान के। तो इन दोनों ही ट्रैक्टर्स पर आप क्या विचार है नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो अब बात करते हैं कीमत की। MF 360 बिकता है 11,97,000 का, वही मैसिव फर्ग्यूसन 9500 स्मार्ट की कीमत चालू होती है 7,40,000 से। क्या बात है, क्या क्या बोले आप, कीमत कुछ ज्यादा है यार, ये क्या? वो तो होनी है, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी इंडियन करेंसी के मुकाबले काफी वीक है। एक पाकिस्तानी रुपीस यानी इंडिया का होता है 0.48 रुपीस। तो मान लीजिए कि अगर वो पाकिस्तान में बिक रहा है 11,97,000 का, तो वो इंडिया में मिलना चाहिए 5,74,560 रुपए का, जो कि लाजमी है अगर भारतीय कंडीशंस की बात करें तो। लेकिन अब तक इसी स्पेसिफिकेशन के साथ इंडिया में कोई भी ट्रैक्टर इतनी कम रेंज में इतनी कम प्राइस में हमें नहीं मिलता सांट हॉर्स पावर का। ये भी सच्चाई है दोस्तों। तो अब वक्त हो चुका है रिजल्ट का। पूरे वीडियो को अगर एक मिनट में समअप करना हो तो हम क्या कहेंगे, पाकिस्तान में एग्रीकल्चर लैंड कम है, तो वहां पर ट्रैक्टर सेल्स कम है। ट्रैक्टर सेल्स कम होने की वजह से ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स भी कम है। डिजाइन, टेक्नोलॉजी और लुक्स, ये तीनों चीजें आपको पाकिस्तान के किसी भी ट्रैक्टर में नहीं देखने को मिलेंगी। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, टायर साइज, वहां पर टायर साइज काफी छोटी दी जाती है। मतलब 50 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर में भी आपको 12/4/28 के टायर्स मिलते हैं। ये क्या बात हुई, हमारे 25-30 HP के ट्रैक्टर में भी ये टायर साइज मिलती है। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं कि आपको भारतीय ट्रैक्टर्स और पाकिस्तानी ट्रैक्टर्स में क्या डिफरेंस है इसके बारे में पता चल गया होगा। तो आप अपने विचार हमें, यार पता चल गया यार कि पाकिस्तानी ट्रैक्टर्स और इंडियन ट्रैक्टर्स में कितना फर्क है, आसमान जमीन का फर्क है।
आप उसके टायर्स चेक करो, आप उसकी लुक चेक करो, उसकी कंपनियां आप चेक करो यार, लेवल है इंडिया के ट्रैक्टर्स का यार। ये किसान के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। और कीमतों में आप चेक करो, वो होता है ना कि यार बंदा कहता है कि यार इसके टायर बड़े हैं, इसके वो हैं, कीमतों में भी फ़र्क है यार, आसमान ज़मीन का फ़र्क है। अगर पाकिस्तान का टायर ट्रैक्टर 10 लाख का है तो इंडिया में वो 7-8 लाख का होगा, तो डिफरेंट है, कम होता है, प्राइस में भी कम है और टायर्स भी बड़े हैं। और क्या चाहिए यार, इंडिया से हमें इम्पोर्ट करना चाहिए यार। और आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, तो बाय।